जल्दी जल्दी से ड्रॉप क्लास कर लेता हूँ, फिर नाम भी तो बनाना है। ओ यार आजकल ना यही चल रहा है। वैसे विलेज स्पोर्ट्स मास्टर्स विंटर मास्टर्स का फाइनल्स का डे नंबर 2 चल रहा है, वहां पे ना सूर्य भाई गेमिंग की टीम लगातार 2 बर्म्यूडा के मैप पे केप टाउन चले गए ओरैंगोटैंग इलीट से फाइट करने के लिए। अब इसके बारे में आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें निकाल सकते हो। चलो आज इसके बारे में बातचीत करते हैं, वो थोड़ा सा फुटेज जो है एनालाइज करते हैं, इसके आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताते हैं, इसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करना चाहूंगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जल्दी जल्दी वो कर दो, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पास आ चुके 11,000 सब्सक्राइबर्स के। शुरू करते कोई वक्त ना जाया करते हुए आज का एनालिसिस। अब सूर्य भाई गेमिंग का जो कल का ड्रॉप स्पॉट था वो कुछ पोचिनॉक के एरिया के साथ, क्योंकि देसी गेमर्स की टीम फाइनल्स में नहीं क्वालिफाई हुई है, इसीलिए सूर्य भाई गेमिंग उस जगह पे जा रहा था। या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि सूर्य भाई गेमिंग की टीम का यूजुअल ड्रॉप स्पॉट किधर है, क्योंकि अभी तक जितने भी टाइम मैंने इनको ड्रॉप करते हुए देखा है इनका कोई फिक्स ड्रॉप स्पॉट नहीं है बर्म्यूडा में या फिर कोई भी मैप है, क्योंकि वो बहुत इधर उधर जगहों पर जाते हुए मैंने देखा है उनको। अब सडनली आज के पहले मैप पे मैं देखता हूँ उनका कि वो आते हैं सीधा केप टाउन, जहां पे ओजी इलीट का ड्रॉप स्पॉट हम सबको पता है, ओजी इलीट कैरेटिन कैरेटिन पे अकेला आइकॉनिक जाते हैं, बाकी 3 प्लेयर्स यूजुअली यहां पे एक स्प्लिट ड्रॉप स्ट्रेटजी लेते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इस मैप के पहले सिचुएशन मतलब पहले में जो आइकॉनिक केलर एंड आरडीपी खत्म हुए हैं ये मैं सिनेरियो आपको नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि अगला जो दूसरा मैप भी हुआ था ना, मतलब विलेज ई-स्पोर्ट्स के विंटर मास्टर्स का दूसरा बर्म्यूडा, वहां पे भी इन दोनों टीम्स ने फाइट लिया था सेम जगह पे एंड सेम ड्रॉप क्लैश होता। अब आपको मैं इस सिचुएशन का फायदा दिखाता हूं। देखो यहां पे एक नेड आता है जरूर, बट पहाड़ी पिंग पहाड़ी एक इमीडिएट करक शॉट, यहां पे पहाड़ी ने काफी अच्छा स्मार्टली खेला, इमीडिएटली नॉक किया साइको। अब पहाड़ी जो है ना ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे साइको नॉक करके रखा है, तरुण जो है भाग के पीछे जा रहे हैं क्योंकि उनको रिवाइव करना पड़ेगा अपने टीममेट को। बट पहाड़ी जब ये कंपाउंड होल्ड कर रहे थे उन्होंने ये सीढ़ियों पे ऑलरेडी लैंड माइन प्लेस करके रखा था एंड इस चीज का खामियाजा जो है तरुण भाई अभी भुगतेंगे। अब देखो तरुण भाई यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हील कर रहे हैं पहाड़ी, देखो इमीडिएट नॉक आउट हो जाते हैं। ब्रिलियंट, वेरी स्मार्ट एंड आई थिंक ये हर एक जो ई स्पोर्ट्स एस्पिरेंट जो सीखना चाहते हैं ये एक्सपीरियंस प्लेयर इसीलिए है क्योंकि इन लोगों को पता है कि क्या क्या हो सकता है। तो यस यहाँ पे आइकॉनिक जो एक डिफरेंट एंगल क्रिएट करते हैं एंड रिस्की को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आइकॉनिक जो है थोड़ा सा इमोट भी करते हैं क्योंकि वो उनका ड्रॉप स्पॉट था, उनके ड्रॉप स्पॉट पे आप आए हो, ठीक है। चलो मान लेते एक बार आ गए हैं, को इंसिडेंस हो सकता है। अब मैं आप लोगों को दूसरा बर्म्यूडा पे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आप केप टाउन के ऊपर गौर फरमाएं कि केप टाउन पे 2 टीम्स कौन कौन जा रहे हैं, ठीक है। फिर से एसबीजी एंड ओरैंगोटैंग एलीट की टीम यहाँ पे आपको जाते हुए दिखे केप टाउन में, एंड अगेन देयर इज अ ड्रॉप क्लैश बिटवीन ओरैंगोटैंग एंड सूर्य भाई गेमिंग की टीम। एंड ये बिल्कुल भी आप कोइंसिडेंस नहीं कह सकते क्योंकि पिछली बार जो पहला मैप था वहां पे फाइट हुआ, वहां पे ओजी लीड ने जीत हासिल किया। अब इस फाइट को कैसे ओजी ने फिर से जीता ये भी आप देखो एंड इसके बारे में फिर मैं बताऊंगा कि एडवांटेज क्या है इन सब चीजों का, डिसएडवांटेज क्या है। अब इस सिचुएशन को देखिए कैसे ओजी लीड अपने फेवर में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ये स्पैन ऑफ टाइम है जो प्लेयर्स देखते रहते हैं कहाँ पे है, मूवमेंट चेकआउट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इस कंपाउंड के अंदर ओजी लीड के प्लेयर्स आ चुके, किलर का पोजीशन स्पॉट हुआ, आरडीपी बहुत कम है, बट आइकॉनिक का नेड आता है राइट हैंड साइड से एंड यहाँ पे रिस्की जो है नॉक हो चुके ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे रिस्की जो है ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं। अब किल फील्ड पे ध्यान देना एंड पोजीशनिंग पे ध्यान दो, कैसे किस तरीके से मिनी मैप पे ध्यान देना, ठीक है। एज कास्टर्स या फिर एज ऑडियंस या फिर एज अ व्यूअर फ्री फायर लवर आप इस चीज को देखिए, अगर आप सीखना चाहते हो मिनी मैप पे देखिए आइकॉनिक का पोजीशनिंग देख लिया आप लोगों ने कि कहां से वो आया और कहां से वो यहाँ पे नॉक करके गया। अब आइकॉनिक घुस जाते हैं अपने गन के साथ, अब प्लेयर के पास कोई चॉइस नहीं, किलर उधर से घुस जाते हैं, आइकॉनिक ने यहाँ पे ऑलरेडी गन से नॉक कर दिया है, फुल ऑन पुश एंड पूरी तरीके से जो है तीनों प्लेयर्स को खत्म किया जाता है, एक अकेला लौता प्लेयर बच जाता है साय, वो यहां से भाग के निकल जाता है। ओजी लीड ने अपना झंडा गाड़ के बता दिया कि दिस इज आवर स्पॉट। अब ये दोनों फाइट्स आप लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है। देखो मैप किसी के बाप का नहीं है तो जिसकी भी मर्जी वो जा सकते हैं, बट पॉइंट क्या है, एक तो फाइनल है, ठीक है। फाइनल्स में आप ये चीज कर रहे हो जहाँ पे दूसरा दिन है, अगर मानते हैं कि ये आखिरी दिन होता फिर आप जाके इनको ऐसा कर रहे थे कि आप जीत नहीं सकते हो, आप कम से कम चलो एक अच्छी टीम से फाइट लो, आपका गन गेम इंप्रूव कर लो, सो वो समझ आ। बट अभी जब इतने सारे मैचेस बाकी है, इतने अर्ली स्टेज पे आप ओजी के साथ फाइट ले रहे हो, थोड़ा समझ नहीं आया। जैसे कि मैंने बोला मैप किसी के बाप का नहीं है तो कोई किधर भी जा सकता है, फाइट ले सकता है अगर जाना है तो, बट आपको एटलीस्ट उस जगह के बारे में अपडेटेड रहना पड़ता है ना कि यार अगर मैं उधर जा रहा हूँ, अगर ओजी है
तो वो जरूर से एडवांटेज शेयर करेगी कि उनके पास एक्सपीरियंस है, भर भर के एक्सपीरियंस है। उन याद है वो FFAC का मैच जहां पे ओजी इलीट के साथ एक इंटरनेशनल टीम का फाइट हुआ था, वहां पे भी ओजी इलीट ने हराया था उनको, एंड आई थिंक एक मैच में वो एलिमिनेट हो गए थे, दूसरे मैच पे वो उन्होंने हरा दिया था, एंड फिर एक और टीम का वो दूसरा थर्ड पार्टी रोटेशन आया था जिसके वजह से ओजी इलीट फंस गई थी। बट एनीवेज ये डिस्कशन का पॉइंट यही है यार, ड्रॉप क्लैश कर रहे हो करो, बट एज अ टीम देखो सूर्य भाई गेमिंग की टीम ना कभी भी मैं नहीं बोलूंगा कि ये अच्छी टीम नहीं है या फिर अंडररेटेड टीम है, तो इनको वो नहीं करना चाहिए, करना बिल्कुल चाहिए, बट आप बहुत अच्छी टीम हो, मैंने इनको खेलते हुए देखा, देर अ वेरी गुड टीम, देर अ वेरी कंसिस्टेंट टीम, इनके पास ये करने के अलावा भी और भी चॉइसेस हैं जिससे वो अपना गेम इंप्रूव कर सकते हैं या फिर ओजी इलीट को चैलेंज पहुंचा सकते हैं, वो बाद में भी जाके ओजी इलीट के साथ 4v4 हेड ऑन हेड फाइट कर सकते हैं, आई थिंक उस टाइम पे शायद SBG और हावी हो सकती है, बट ये वाला फाइट मुझे थोड़ा सा पॉइंटलेस लगा। जरूर से आप लोगों के ओपिनियन कमेंट में बताना, एंड एनालिसिस अच्छा लगा हो तो ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।